नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड सेट बी इक्वल्स टू 2 3 5 7, वेरीफाइड डेट। ये हमें सेट दिए हुए हैं और ये हमारा सबसे बिगेस्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है या फिर नहीं है, यानी प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन यूज किया गया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। ए यूनियन बी, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा सेट ए यूनियन बी क्या बनेगा? सेट ए यूनियन बी बनेगा 2 4 6 8 2 4 6 8 2 3 5 7। 2 के बाद यहाँ 3 है इसलिए हम 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें सीरियल वाइज लिखना होता है। 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। अब इसका हमें डैश यानी कंप्लीमेंट निकालना है। इक्वल्स टू ए डैश, ए डैश क्या होगा? 2 4 6 8 को जब हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तब आ जाएगा ए डैश। तो ए डैश हमारा बनेगा 1 3 5 7 और 9, क्योंकि हमने 2 4 6 8 को यहाँ से माइनस कर दिया है। इंटरसेक्शन सेट बी, सेट बी का कम्प्लीमेंट, तो सेट बी का कम्प्लीमेंट क्या बनेगा? जब हम सेट बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, जब हम 2 3 5 7 को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेगा 1 4 6 8 और 9। तो ये हो गया हमारा बी डैश। अब हमें क्या करना है? इसका कंप्लीमेंट बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 को जब हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से तब हमारे पास बचेगा 1 और 9। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी डैश। हम 1 और 9 है हमारा ए यूनियन बी डैश, और हमें इसके इक्वल बताना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है? इधर है 1 3 5 7 9, इधर है 1 4 6 8 और 9। तो कॉमन एलिमेंट बन गया 1 कॉमन 9। तो 1 कॉमन 9 इक्वल्स टू 1 कॉमन 9, दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं इसलिए वेरीफाइड हो चुका है, इसलिए हम लिखेंगे वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर दिया है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब इसका पार्ट सेकेंड देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। हमें बताने क्या ये दोनों इक्वल हैं? यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और सेट ए है 2 4 6 8 और सेट बी है 2 3 5 7। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स 2 4 6 8 2 3 5 7, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 2, क्योंकि 2 दोनों के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे डैश है इसलिए हम लिखेंगे डैश यानी कंप्लीमेंट। इक्वल्स टू ए डैश, जब हम सेट ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा ए डैश। तो ए डैश हमारा आएगा 2 4 6 8 को माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 1 3 5 7 और 9। ये हो गया हमारा ए डैश। फिर यूनियन का सिंबल, इसलिए यूनियन का सिंबल लगाएंगे। फिर वह बी डैश, बी सेट को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से तो हमारे पास आएगा 1 4 6 8 और 9। ये हो गया हमारा बी डैश। तब 2 डैश 2 को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से तो हमारे पास बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। 1 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल है। अब ए डैश यूनियन बी डैश बनेगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 दो बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे, यूनियन के अंदर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। इधर है 1 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर भी है 1 3 4 5 6 7 8 और 9, तो दोनों इक्वल आ गए हैं इसलिए ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक पार्ट के लिए हमें सही वेन डायग्राम बनाना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। इस पार्ट को करने से पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं ताकि हम हर एक क्वेश्चन का वेन डायग्राम इजीली बना सकें। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये यूनिवर्सल सेट है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। और सेट ए हम मान लेते हैं कि सेट ए है 1 2 3 और 4, और हमारा सेट बी मान लेते हैं, हमारा सेट बी होगा 2 5 6 और 7। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया सेट बी।
अगर हमें ए यूनियन बी निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी, हम कहेंगे कि हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है और सारे एलिमेंट्स को लाइन वाइज यानी सीरियल वाइज लिख देना है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या बनेगा? हमारा ए यूनियन बी बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और अगर हमें कहा जाए कि हमें ए यूनियन बी डैश निकालना है तो हम कहेंगे कि हम ए यूनियन बी वाले सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ए यूनियन बी डैश आ जाए। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जब माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से तब हमारे पास आएगा 8। तो हमारा ए यूनियन बी डैश क्या बन जाएगा? 8। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम के अंदर ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर आता है सेट ए। सेट ए को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। अब ये जो एरिया होता है, ये जो पार्ट है, ये हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। हमने ये इसलिए इधर बनाया क्योंकि यूनियन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को भी काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे सेट ए और सेट बी के अंदर कॉमन एलिमेंट 2 था, वैसे ही यहाँ पे यूनियन के अंदर एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं लेकिन वो यूनियन के अंदर भी काउंट होते हैं। तो ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। सेट ए के एलिमेंट से 1, 2 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2 दोनों का कॉमन एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी का। तो हमारे सेट ए के एलिमेंट से 1, 2, 3 और 4 और इसी तरह सेट बी के एलिमेंट से 2, 5, 6 और 7 और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट। अगर हमें ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। हमने ए यूनियन बी डैश को निकालने के लिए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस किया था। तो इसी तरह हम ए और बी का यूनियन को, ये पूरा हमारे यूनियन है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी डैश। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी डैश का। तो हमने ये अबव एग्जाम्पल्स का वेन डायग्राम बनाया था इसलिए जो हमारा शेडेड पोर्शन होगा उसका आंसर क्या आएगा, वो हमारा इक्वल होगा 8 के, क्योंकि हमारा ए यूनियन बी डैश क्या आया था, 8। तो इस तरह हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो ये था हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर यूजली हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसके अंदर जो सर्कल होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के लिए। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ए यूनियन बी डैश। तो जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर वेन डायग्राम बनाया है हमें उसी तरह बनाना है, लेकिन हमने यहाँ पे सेट का एग्जाम्पल लिया था। लेकिन अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लेना है, हमें डायरेक्टली एक वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हुए बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसके बिना हम वेन डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर आएगा सेट ए और सेट बी। तो ये सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सेट ए, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सेट बी। तो अब हमें यहाँ डैश करना है। डैश निकालने के लिए यानी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम ए और बी का यूनियन को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं ताकि हमारा इसका कम्प्लीमेंट निकल जाए। जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था उसी तरह जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट रह जाएंगे जो इसका कम्प्लीमेंट होगा। तो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी डैश को। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी डैश यानी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर। तो ये शेडेड पोर्शन है हमारा आंसर। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे यूनिवर्सल सेट। तो ये बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट और ये सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को और ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे, जब हम सेट ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। और सेट बी कैसे निकालेंगे, सेट बी का कम्प्लीमेंट जब हम सेट बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। और यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इसलिए इंटरसेक्शन भी माइनस होगा। इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन बचा है, जब हम इसके अंदर से सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाए, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन आंसर बनेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर। हमने यहाँ पे सेट ए और सेट बी को लिया है ताकि हम जब हम सेट ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तब सेट ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, सेट बी को जब यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो सेट बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर दोनों का इंटरसेक्शन भी माइनस करेंगे ताकि हमारे पास आ जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हमारा बन गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम। अब इसका पार्ट थर्ड देखते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेंगे यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को हम ले रहे हैं, तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर हम लेंगे सेट ए, ये सर्कल है सेट ए और ये है सेट बी, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट ए और यहाँ लिखेंगे सेट बी, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों के इंटरसेक्शन क्या बनेगा, तो ये बन गया सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन। और जब हम इसे माइनस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इतने पार्ट को जब हम माइनस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको हम शेड करेंगे, इसलिए हमारा आंसर आ गया है ए इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर। हमने इतने पार्ट को माइनस किया है ताकि हमारे पास आ जाए ए इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर। अब इसका पार्ट फोर्थ देखते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट और हम लेंगे सेट ए, तो ये सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को और ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। ये सर्कल सेट ए है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सेट ए और ये है सेट बी इसलिए यहाँ लिखेंगे सेट बी। अब बोला है ए डैश, ए डैश कैसे निकलेगा, जब सेट ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। जब हम सेट ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो सेट ए खत्म हो जाएगा ताकि हमारे पास आ जाए ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमें बी डैश चाहिए तो बी डैश के लिए हम सेट बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास आ जाए सेट बी का कंप्लीमेंट। तो हमने सेट बी को भी माइनस कर दिया है, इन दोनों का यूनियन, सेट ए और सेट बी को हमने माइनस कर दिया है, इन दोनों का यूनियन जो बचा है वो हमारा आ जाएगा ए डैश बी डैश का यूनियन। इसलिए हम इतने पार्ट को माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास आ जाए ए डैश यूनियन बी डैश का आंसर। तो ये हमारा बन गया है वेन डायग्राम, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश यूनियन बी डैश को।